तो इसलिए ये स्थान है जो आपको कल और परसों बताए गए, इन स्थानों पर ईश्वर और ब्रह्म और पार ब्रह्म और महाकाल पुरुष बैठे हुए हैं। इन्होंने अपने देवी और देवताओं को अपने, मतलब ये कारगुजार बड़े बड़े पदाधिकारियों को अपने अपने लोक में इन्होंने स्थापित कर रखा है और वो सब काम करते रहते हैं। जैसे ब्रह्मा विष्णु महादेव और पार्वती लक्ष्मी और सावित्री, और इन्होंने अपने अपने और लोगों को काम दे दिया, और आद्या महाशक्ति ने इनको काम दे दिया, और निरंजन भगवान ने एक आद्या महाशक्ति का लोक बनाया जिसमें इतना बड़ा लोक है कि मृत्यु लोक से ज्यादा बड़ा स्वर्ग, और स्वर्ग से ज्यादा बड़ा बैकुंठ, और बैकुंठ से बहुत बड़ा शक्ति लोक। उस शक्ति लोक में स्त्रियां राज करती हैं, पुरुष स्वरूप का यानी पुरुष रूप का और पुरुष की शक्ल का नाम और निशान नहीं है, वह सारी की सारी स्त्रियों का राज उस मंडल में है। उसको कौन पार कर सकता है, किसकी सामर्थ्य है? उसके बाद निरंजन भगवान का जो धाम है वो तो मतलब है कितना बड़ा। उसके ऊपर फिर माया का देश है, वहां माया ही माया है, वहां पुरुष का कहीं भी नाम निशान उस बड़े इतने बड़े जितने माया के लोग हैं उसमें कहीं भी कोई पुरुष नहीं दिखाई देता। और फिर ब्रह्मधाम, आपको तो ये राज मालूम है ना, तो इसकी साधना दोनों आंखों के पीछे जो जीवात्मा बैठी है और ऊपर से आवाज आ रही है लेकिन कान तुम्हारे बंद हो गए और तुम जुग जुग से, यानी कितने कल्प बीत गए जब से आए तब से सो गए, कोई तुमको महापुरुष, कोई योगी, कोई सिद्ध पुरुष तुमको जगाने के लिए मनुष्य मंदिर में मिला नहीं कि तुम्हारी जीवात्मा को घाट पर बैठाल के जगा दे। अब ये वक्त और समय आ रहा, हम उस तरह का सब माहौल तैयार किए देते हैं। जब सब चीज तैयार हो जाएगी, खरपतवार जब तैयार हो जाएगा वो गीला ना हो, सूख जाएगा तो बस ऐसे माचिस लगाई तो वो ज्ञान रूपी जब माचिस लगेगी तो भक पेट्रोल की तरह से भक आग लग जाएगी, तो जल भून करके तुम्हारे सब पाप भस्म। इसको कहते हैं ज्ञान रूपी अग्नि। ये जब प्रज्वलित होगी तब देखिए आप क्या होता है। तो हम तो ये वो दिन आपको बताना चाहते हैं।